खुद महल में बैठे मोर नचाए दर्द दिखे न गरीबों की, खुद महल में बैठे मोर नचाए दर्द दिखे न गरीबों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को आंख खुले न फकीरों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की, महंगाई सब नाश कर दिया टूटी कमर गरीबों की, महंगाई सब नाश कर दिया टूटी कमर गरीबों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की। नमस्कार, मैं वीर और आप देख रहे दंगल न्यूज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में हूं और समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमारे बीच तीरथ जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के एक बहुत अच्छे गायक हैं और समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र सोलंकी के बाद अगर हम तो कोई उभरता हुआ चेहरा दिख रहा है तो वो तीरथ जी हमको दिख रहे हैं। इनके दो तीन गाना मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चला चुका हूँ और आज हमको ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं और आज लखनऊ में हमसे जब इनसे बोलते हैं कि भैया अगर जब भी आप इलाहाबाद लखनऊ आएगा तो हमसे संपर्क जरूर कीजिए, क्योंकि इनके जो गीत हैं वो दर्शक बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनके गीत बहुत अच्छे हैं। तो आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये लखनऊ में हैं और कुछ गाना को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता हूँ तो यहाँ आकर के भैया अखिलेश यादव जी की नीतियों को जान करके लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ, इसलिए मेरा आना जाना लगा रहता है जी। सर, कुछ गाना बताइएगा हमारे दर्शकों सुनना चाहते हैं और सरकार के बारे में आपका क्या कहना है, कुछ जो आप गाना मतलब गाना चाहते हो सर बताइएगा। सरकार की नीतियां साफ हैं, जो यहां पर अच्छा काम करेगा उसके लिए दंड मिलेगा। जैसे आज आप देख रहे हैं आरिफ को, अभी भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पे कॉन्फ्रेंस किए हैं सारस पे, जो आरिफ सारस को पाला था उसके पालने की वजह से आज किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितनी परेशानियों का सामना कर रही है जनता, उस पर ना ध्यान दे करके चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकार इस पर नज़रअंदाज करते हुए काम कर रही है, लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगाई पर कोई बात ना करते हुए लोगों को उलझाने का काम कर रही है। इसी पर मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ कि महंगाई सब नाश कर दिया टूटी कमर गरीबों की, महंगाई सब नाश कर दिया टूटी कमर गरीबों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की, जनता मरने लगी भूख से साथ निभाए अमीरों की, जनता मरने लगी भूख से साथ निभाए अमीरों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की। दर्शक सुनते रहना, बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं सर, आगे बताइएगा सर। हमने जिसको बैठाया था दिल्ली के दरबार में, हमने जिसको बैठाया था दिल्ली के दरबार में, निकल गया वह जुमलेबाज बातें करे बेकार में, खान पान चालान बढ़ाना दर्द दिखे मजबूरों की, खान पान चालान बढ़ाना दर्द दिखे मजबूरों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की, महंगाई सब नाश कर दिया टूटी कमर गरीबों की, महंगाई सब नाश कर दिया टूटी कमर गरीबों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की। कितने वीर शहीद हो गए मरने लगे किसान हो, कितने वीर शहीद हो गए मरने लगे किसान हो, देश की जनता दर दर भटके होने लगी परेशान हो, खुद महल में बैठे मोर नचाए दर्द दिखे न गरीबों की, खुद महल में बैठे मोर नचाए दर्द दिखे न गरीबों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को आंख खुले न फकीरों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की, महंगाई सब नाश कर दिया टूटी कमर गरीबों की, महंगाई सब नाश कर दिया टूटी कमर गरीबों की, कोई फर्क नहीं दिल्ली को खुले न आंख फकीरों की। तो इस तरह से हम आपको परेशान किया जा रहा है,
आम जनता को परेशान किया जा रहा है, मेन मुद्दे पे बात न करते हुए लोगों को उलझाने का काम कर रही है, जुमलेबाजी की सरकार है, लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जी तो देखिए हमारे बीच कितना बढ़िया है, जो महंगाई पर एक गीत उन्होंने गाया था, काफ़ी अच्छी गीत है और समाजवादी पार्टी के लिए उभरता हुआ चेहरा हमको दिख रहे हैं, और अन्य भी इनके पास गीत होंगे, उन अन्य गीतों को भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा।